स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी किसानों के आंदोलन पर हो रही सियासत की। एक पक्ष तो कह रहा है कि किसान सियासी हो गए हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि किसानों की बात को सुनना चाहिए, किसानों का अपमान देश और प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। बात करेंगे शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले और नियुक्ति की मांग को लेकर हो रहे धरने की, और ये भी जानेंगे कि डेंगू मलेरिया और वायरल फीवर से हो रही लगातार मौतों के बारे में प्रदेश सरकार ने क्या रणनीति बनाई है। तो बात होगी गोरखपुर में लोगों के लिए मिसाल बनी एक छात्रा की, और बात बिजनौर में कटान से दहशत की भी होगी। बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में बाढ़ से मचे हाहाकार की भी की जाएगी। किसान पंचायत तो हो गई, लेकिन पंचायत पर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। विपक्ष किसानों की हक की बात कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि किसानों की बात को सरकार को मान लेना चाहिए, तो वहीं सत्ता पक्ष कह रही है कि किसानों की आड़ में जो राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसान महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। संजीव बालियान ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग जिन्होंने मुजफ्फरनगर को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंका और वो पंचायत के मंच पर बैठे हैं। इसका जवाब मुजफ्फरनगर की जनता पंचायत के आयोजकों से मांगेगी। बयान पर पलटवार करते हुए भाकियो प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, संजीव अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार की बात किसानों तक पहुँचाए। सरकार चल रही है 2012 से 17 की, जिस सरकार को वापस लाना चाहते हैं और जो नारे लगवा रहे हैं, यही सबसे पहले आप एक बात पूछिए कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान, दंगों से पहले महापंचायत किसने बुलाई थी? टिकैत साहब ने महापंचायत बुलाई थी। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, महापंचायत बुलाने वाले 1 तारीख की भी टिकैत साहब थे, उसके बाद पीछे हट गए थे। 7 तारीख की महापंचायत के ट्रैक्टर चलाते हुए उनके ही फोटो हैं। तो सबसे पहले उस सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। तो 2012 से 17 का दौर आज भी उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। हमारे इशू हैं, उन इशू को सोल्व करवावे। जैसे दूसरे लोग बीजेपी में रहते हुए किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, जो एमपी एमएलए विधायक किसानों के पक्ष में नहीं बोल रहा तो जनता उसका ध्यान रखेगी। संजीव बालान को किसानों के पक्ष माना चाहिए, जनता ने उनको वोट दे रखी है। हमारी भारत सरकार से बातचीत करवावे। जैसे वरुण गांधी ने कहा, सतपाल मलिक ने कहा है, तो ऐसे ही जो किसान विचारधारा के लोग सरकारों में शामिल हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे आए, सरकारों से कहें कि किसानों से बातचीत शुरू करो, जो मसले हैं इनका समाधान करो। किसान महापंचायत को अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से देख रही हैं। बीजेपी जहां महापंचायत का विरोध कर रही है, तो विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस किसानों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। बसपा ने किसान महापंचायत की तारीफ करते हुए कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए किया गया ये सराहनीय है प्रयास, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों को एक साथ खड़े होने के लिए बधाई दी है। वहीं किसान महापंचायत पर सीएम योगी का कहना है कि महापंचायत के दलालों को दर्द हो रहा है, बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद में भी प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। जहां वर्ष 2012 से 17 की अवधि में 14,87,000 कृषकों को 17,119 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, वहीं वर्तमान सरकार के समय में 31,88,000 किसानों को अब तक 37,885 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मैं बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की,
बल्कि हर चीज की महंगाई दोगुनी कर दी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए और तीनों कानून जिसके लिए किसान इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वो कानून वापस होने चाहिए। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों के महापंचायत के बीजेपी को सत्ता से हटाने का ऐलान किया तो वहीं विपक्षी दलों को मंच पर जगह न दिए जाने से विपक्षी दलों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब देखना ये होगा कि किसान महापंचायत का कितना फायदा किस पार्टी को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट। आरक्षण और नियुक्ति की मांग को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। हक के लिए अभ्यर्थियों की लड़ाई अब और तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब तक 79 दिन बीत जाने के बाद इन्हें आश्वासन देने के लिए भी सत्ता पक्ष का कोई नुमाइंदा नहीं आया। तमाम लोग जो है वो यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक भर्ती पर संग्राम, उन्यासवे दिन अभ्यर्थियों का धरना। ऐसा उत्तर प्रदेश 29वां राज्य है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को मानने को पालन नहीं करता। इको गार्डन में धरना जारी, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में धांधली और नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर इको गार्डन में 78 दिनों से धरना जारी है। लोगों ने विगत 78 दिनों से लगातार सरकार से निवेदन करते रहे कि हमारी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की मांग है उसको लागू कर दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये तानाशाही सरकार जो पता नहीं क्या इसमें तानाशाही घुसी हुई है कि 28 राज्य इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को मानते हैं, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश 29वां राज्य है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को मानने को पालन नहीं करता है। नियुक्ति की मांग को लेकर धरना, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की मांग, एससी वर्ग को 21% आरक्षण की मांग। हक के लिए अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी इको गार्डन पहुंचे, जिसके बाद बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच झड़प भी हुई और इको गार्डन में बड़ी संख्या में घेराव के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का समर्थन करने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद खुद आए हुए, ये देखिए चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, क्या हुआ, रोक लिया गया आप लोगों को, यहाँ पे ही रोक लिया गया? देखिए सरकार को अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए, सरकार को 78 दिन से लोग बैठे हुए हैं, 78 दिन से लोग बैठे, सरकार को सुननी चाहिए, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? और ये बैरिकेडिंग जो है ये भावनाओं से बड़े नहीं है, हमें समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। आज तो रोक लिया गया, कोई नहीं अभी बात करेंगे, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बात होगी। हक की लड़ाई के लिए अभ्यर्थियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। अभ्यर्थी हक के लिए लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब इनकी मांगे मानती है और धरना दे रहे अभ्यर्थियों को कब न्याय मिल पाता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद इस बात को कह रहे हैं कि सरकार जो है वो हमारी सुनने को तैयार नहीं है और हमारे ऊपर चाहे लाठी चले चाहे डंडे चले, हम लोग जो है वो आने वाले समय में आज अगर नहीं घेराव कर पाएंगे तो आने वाले समय में हम घेराव करेंगे और अभी अधिकारियों से बात करेंगे कि हमारी बात वो सरकार तक पहुंचाएं। कैमरा पर्सन नूर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डेंगू मलेरिया और वायरल फीवर का कहर जारी है। डेंगू से अब तक 58 मौतें हो चुकी है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। डेंगू वायरल फीवर का कहर,
डेंगू से अब तक 85 मौतें, फिरोजाबाद में डेंगू से 52 मौत, जालौन में डेंगू से एक की मौत, रायबरेली में डेंगू से बच्ची की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में वायरल बुखार डेंगू और मलेरिया की चपेट में अधिकांश इलाका आ गया है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। डेंगू और वायरल बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 540 से ज्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, तो जिला प्रशासन और नगर निगम इस महामारी को रोकने के हर तरह के उपाय कर रहा है। बुखार और बढ़ते रोगियों की संख्या पर काबू नहीं पाया जा सका है। हमारे यहाँ इस समय 540 बच्चे हैं। अगर एडमिट नहीं करते तो ये नौबत ना आती। और एक यहाँ सब एडमिट होना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एक बिस्तर पर लिटा दो, दो लोगों को, हमें कोई परेशानी नहीं है। बात भी सही है, इस समय हमारा मकसद ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना है, चाहे वो जैसे भी बचे। इसलिए हमने जैसे ही संज्ञान में लिया, अगर अंदर आया होता तो ऐसा नहीं है मैं वही कुर्सी डाल के बैठी हूँ कि किसी मरीज को तकलीफ ना हो। जालौन में भी डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। घरों के कूलरों और नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। डेंगू का हम लोग संचारी रोग बरसात के मौसम में शुरू होते हैं, तो जुलाई में संचारी रोग अभियान चला था। मच्छरों से बचाव करना, मच्छरदानी का प्रयोग करना, पानी का भराव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अभी इधर बरसात भी है तो कुछ कहीं नालियों में, गड्ढों में पानी भरा है, किसी किसी के घरों में कूलर में पानी बहुत दिनों तक नहीं बदलते ना, उसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। 3 केस पॉजिटिव आए थे, आज एक और झांसी से रिपोर्ट हुआ है और उसी की शायद मृत्यु बता रहे हैं। डेंगू मलेरिया और वायरल से रायबरेली जिला भी अछूता नहीं है। जिला प्रशासन के चिल्ड्रन वार्ड में बीते 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे भर्ती किए गए हैं। एक बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला अस्पताल के 7 प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का तांता देखने को मिल रहा है। डेंगू से रोकथाम के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बुखार के, सर्दी बुखार के, तो सीजनल के भी, झटके के मरीज और न्यूबॉर्न तमाम क्या ना महिला से आते हैं यहाँ भर्ती होते हैं, उनके यहाँ खाली 12 बिस्तर हैं और बाकी सब जितना चाहे जैसा सीरियस हो सब यहीं पे आकर के माने भर्ती होते हैं, इसलिए मरीजों का लोड बढ़ जाता है। 30 तो नहीं, कल शाम को भी क्या नाम 19 मरीज थे और एक बच्चा कोई माने रात में घंटा खान में भर्ती हुआ था, खत्म हो गया था, पर कल सवेरे हमने DST देखी थी शायद। डेंगू मलेरिया और वायरल का प्रकोप प्रदेश भर में जारी है। प्रशासन एक तरफ जहां हर संभव मदद का आश्वासन दे रहा है, तो वहीं ग्रामीण इलाज में अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मरीजों को उचित इलाज कब मिल पाता है। रिपोर्ट, भारत समाचार। गोरखपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, लेकिन इसी बीच गोरखपुर की एक छात्रा ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि वो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। ऐसा उसने क्या किया, आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहते हैं अगर जज्बा कुछ कर दिखाने का हो तो कोई भी ताकत आपको ऊंचाइयां छूने से रोक नहीं सकती। किसी ने सही ही कहा है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया गोरखपुर के गिड़ा थाने के अंतर्गत बहरामपुर की एक छात्रा ने। दरअसल राप्ती नदी में आई बाढ़ ने जहां लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बहरामपुर दुर्गा मंदिर के पीछे रहने वाली संध्या हर दिन इस पानी को नाव के सहारे पार कर स्कूल जाती है और वो इस नाव को खुद ही चलाती है। तो कैसे आप स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल जैसे सारा काम नाव से होता है वैसे हम स्कूल भी नाव से ही जाते हैं। तो अकेले आप जाते हो नाव से? हाँ, मान लीजिए नहीं कोई रहेगा तो अकेले ही जाएंगे ना, अब हम अकेले वहाँ पढ़ने जाते हैं, भाई से जाएंगे। तो कितनी दूर तक नाव आप चलाते हो? यहाँ से पूरा सड़क तक जाते हैं, वो बंद रहता। कितना दूरी होगी? अरे जहाँ से आधा किलोमीटर होगा। अच्छा, डर नहीं लगता? इतनी नदी उफनाई हुई है, पूरी तरफ बाढ़ ही बाढ़ है, डर नहीं लगता अकेले जाती हो आप? डर क्या, डर लगेगा तो मान लीजिए, डर करेंगे तो कोई चीज कर कैसे पाएंगे।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर संध्या के साहस को सराहा और कहा कि ये बच्ची मुश्किल परिस्थितियों, ठप प्रशासन व अनिश्चित भविष्य होने पर भी हिम्मत नहीं हारी। संध्या का साहस बहुत कुछ सिखाता है। गोरखपुर से विकास शाही की रिपोर्ट, भारत समाचार। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में गंगा किनारे बसे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गंगा तेजी से कटान कर रही है जिसने किसानों की लहलाती फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये है बिजनौर का गंगा किनारे बसा फतेहपुर सभा चंद गांव, जहां कई सालों से ग्रामीण गंगा किनारे गन्ने और धान की खेती करते हैं। लेकिन इस साल बरसात के मौसम में पहाड़ों व मैदानी इलाकों में इस कदर बारिश हुई जिसने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया और बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। हालात ये है कि कई गांवों से जुड़ने वाली पक्की सड़क का 1 किलोमीटर का दायरा अब गंगा में टूटकर बह चुका है। दिक्कत जी, ये जो हमारा स्कूल था ये भी बह चुका है और जो हो हमारा जो गन्ना उन्ना था सभी गंगा ने कटान कर दिया है और बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। हमारे जो घर बार थे वे भी सब ढह गए हैं। दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया गया था लेकिन वहाँ भी अभी नहीं हो रहा काम। जो हमारा गांव है वो पूरा ढह चुका है और प्रशासन की ओर से यहाँ पे कोई मदद नहीं हुई है और जो फसलें हैं हमारी और यहाँ पे जो सब वो बर्बाद हो चुका है गंगा कटान से। अधिकारी जो लोग आते हैं और वो थोड़ा बहुत करके कि हाँ हो जाएगा और थोड़ा बहुत बल्ली वगैरह लगा के चले जाते हैं। बाढ़ ने इस कदर हालात खराब किए कि सरकारी प्राथमिक स्कूल की 4 दीवारी भी गंगा में बह गई। स्कूल के बच्चों को मजबूरन टीचरों ने दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा दिया और किसानों के खून पसीने की कमाई से तैयार गन्ने और धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जहां गंगा उफान पर है तो वहीं बिजनौर के फतेहपुर सभाचंद का प्राथमिक विद्यालय इस समय गंगा की चपेट में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्राथमिक विद्यालय इस समय जहां खंडहर में तब्दील है तो वहीं यहां के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। बहरहाल प्रशासन द्वारा भले ही लकड़ी के स्टड को लगाकर गंगा के कटान को रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी गंगा लगातार यहां पे कटान कर रही है। वहीं यहां के किसानों की सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल बर्बाद हो चुकी है और कहीं ना कहीं जानवरों को खाने के लिए चारा भी नहीं मिल रहा है। रोहित त्रिपाठी, भारत समाचार, बिजनौर। नदियों में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बाढ़ से परेशान ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी में बाढ़ से हाहाकार, घरों में भरा बाढ़ का पानी, मुश्किल में जिंदगानी, ग्रामीणों को नाव का सहारा, प्रशासन ने छोड़ा बेसहारा। गुना में घाघरा नदी में आई बाढ़ से तरबगंज और नवाबगंज इलाके के लोग परेशान हैं। बाढ़ के चलते दर्जनों गांव जलमग्न हैं। ग्रामीणों का आवागमन में उन्हें परेशानी है। ग्रामीण अब नाव का सहारा ले रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नवाबगंज के दत्तनगर, साकीपुर, बेउंदा मांझा, गोकुला, इसके अलावा और कई गाँव है जो इस समय पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं लेकिन इन गांवों के डूबे रहने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक प्रशासन इनको बाढ़ग्रस्त न मान ले। आपको हम इधर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जिस तरह से यहाँ के हालात हैं साफ तौर पे आप देख सकते होंगे कि ये बाढ़ की दुर्व्यवस्था को बयां करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे लोग रहते हैं और इन्होंने अपना जो घर है ये थोड़ा ऊंचा कर रखा है मट्टी पाट करके जिस वजह से यहाँ पानी नहीं भरा है लेकिन जहाँ तक आप देख सकते होंगे कि आपको सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो परिवार है वो यहाँ रह रहा है कहीं ना कहीं और यही इनकी जिंदगी है। इसी तरह ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इसी तरह यहाँ खाना बनाते हैं, इसी तरह खाते हैं और इसी तरह इनका पूरा जीवन चलता है। ये पिछले 20 दिनों से लगातार जब से यहाँ पानी भरा हुआ है तब से यहाँ के हाल जो है वो पूरी तरीके से बेहाल है। ये जो नल है ये देखिए किस तरह से पानी में डूबा हुआ है। इनका जो घर है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पानी में बहा जा रहा है। ये बताइए आप लोग कितने दिन से इसी तरह की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? अरे बहुत दिन से ऐसे है। कितने दिन होंगे? अरे हमारा पूरा है। कोई अभी तक क्या लेखपाल वगैरह या कोई और प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पे झांकने आया, आपको किसी प्रकार की कोई राहत देने आया? कोई नहीं आया।
तो कैसे चलता है, कैसे बुरा तरह आवाज़ था, क्या करा जाए। बाढ़ से पानी छोड़े जाने के बाद फरुखाबाद में गंगा नदी में आई बाढ़ से ग्रामीणों का हाल बेहाल है। जलस्तर बढ़ने के साथ ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और बाढ़ के चलते कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग आवागमन के लिए ग्रामीण नाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। रोड पर तो ओरे पानी है, ओरे गांव खुला ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं खुला रहेगा। तो गांव में पानी कितना है? गांव पानी इतना तो है। आने जाने में क्या परेशानियां हो रही भैया? परेशानी बहुत हो रही है, परेशानी है, क्या करें। गांव भी पानी भरा हुआ है? हां, गांव में पानी भरा है। फिर कैसे रह पा रहे हो? और रह पा रहे का बखरन में याने को मिट्टी डाल लेता हूं या सूखो करे। बाढ़ की स्थिति क्या है, कैसा पानी? फिर आप लोग कैसे रह पाते हैं? अब रहता है, रह पाओ तो मजबूरी। नदियों में बाढ़ के पानी से अब निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं किसी तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की अब मुसीबतें भी कई गुना बढ़ गई हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। रिपोर्ट, भारत समाचार। आज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। मुझे दीजिए अनुमति।